आ जी अल्लाह अब नहीं अब छोड़ दीजिए पवित्र पावन सावन मास में जैसे सावन जाना ही जाता है मेले और त्योहारों के लिए, यहाँ से हम लोग के त्यौहार प्रारंभ होते हैं। और हमारे मारवाड़ी समाज के विभिन्न संगठन, महिला संगठन खास करके, पूरे बनारस में एक्टिव हैं और कोई भी अच्छा प्रोग्राम जो है बिना महिलाओं की सहभागिता के संभव नहीं है। और आज अन्नपूर्णा शाखा द्वारा जो ये विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसकी अध्यक्षा जो है जया बासिया मैम और जो सचिव हैं पूजा खेमका मैम और पूरी प्रत्येक महिलाएं जो अन्नपूर्णा शाखा में शामिल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास आज किया है। एक ही छत के नीचे इतने सारे उत्पाद जो हैं लोगों को एक साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भावना है महिला स्वावलंबन, उसको भी इस योजना से बल मिलता है। जो यहाँ आ रहे हैं उनको तो एक ही छत के नीचे सारे विविध उत्पाद मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ अपने स्टॉल लगा रहे हैं उनको एक इतने बड़ा ग्राहकों का डाटाबेस एक साथ मिल जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काशी की प्रगति में यह मेला बहुत सहायक हो। अपॉइंटमेंट के लिए उनके उनको चांस देने के लिए इस तरह का आयोजन किया है। और जो कि मुझे पता चला है कि हर बार हर साल ये लोग करते हैं और आज यहाँ अराउंड 54 स्टॉल से है पूरा, और कभी लग रहा है महिलाओं ने ही लगाया है। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एंड लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू ऑल द लेडीज दोज वो आर कमिंग अप विद देयर गुड स्किल्स और अपनी ये कला को यहाँ दिखा रही है और लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही है, लोगों को इंस्पायर कर रही है कि आगे आकर के वो भी अपने आप को एक स्टैब्लिश कर सकती है, अपनी पोजिशन बना सकती है, अपना नाम बना सकती है और साथ ही साथ कमाई भी कर सकती है। थैंक यू। यहाँ पे सभी तरह के स्टॉल लगे हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ कपड़े भी हैं, हैंडमेड भी है, राखी है, गिफ्ट आइटम्स भी हैं। जो भी घर उद्योग लघु उद्योग घर के अंदर किए जाते हैं वो सारे कार्यक्रम लगभग कितने स्टॉल लगाए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? गुजरात, सूरत, गाजियाबाद, दिल्ली, हर जगह से आए हुए हैं, ज़्यादातर बाहर के भी हैं। इस तरह का स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य होता है आप लोगों का? तो ये होता ना भैया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का मौका मिलता है, उन्हें घर से बाहर आके अपना, वो घर पे रहती हैं, उनके पास व्यापार करने का कोई रास्ता नहीं होता, वो घर यहाँ आती है तो उनके अपने कार्य विजिट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से परिचय बढ़ा लेती हैं, उनका रोजगार और बढ़ता है।